morning, students. Today we are going to about atom and molecules. Atom and molecules के बारे में या परमाणु और अणु के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि एटम या परमाणु क्या है. एक्चुअली एटम की अगर बात करें, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन फ्रीली. लाइक अगर एटम की या परमाणु की बात करते हैं, एटम क्या होता है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम एक सबसे छोटा एक ऐसा पार्टिकल है जिसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है. जिसे आप क्या बोलते हैं, क्या इंग्लिश में आप जो डिफाइन करेंगे क्या बोलेंगे? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन फ्रीली. एटम एक बहुत छोटा पार्ट होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है. लाइक दैट, जैसे कि सपोज दैट हम एक ले लेते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. इट मींस इट हैज द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इसके अंदर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे. बट इससे पहले हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. जैसे कि सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं. राइट डाउन प्लीज. एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन फ्रीली. विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन फ्री. एक्चुअली क्या हुआ कि किसी भी जो रिएक्शन की आप बात करते हैं, रिएक्शन का जब सबसे छोटा पार्ट होता है एटम. और एटम क्या होगा कि एटम को आप अगर डिफाइन करने की बात करते हैं तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन फ्रीली. ऐसे आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से भाग ले सकता है. जैसे कि सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, आप एक रिएक्शन लेते हैं. रिएक्शन में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन एंड प्लस ऑक्सीजन. इन दैट केस देयर विल बी फॉर्म H2O. तो इस केस में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. बट इन दिस केस देयर आर टू किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या बोलते बेटा उसे? परमाणु. यानी परमाणु क्या कहेंगे? परमाणु एक सबसे छोटा कण होगा. बट यहाँ पे देयर आर सम एक्सेप्शन अबाउट एटम. एटम के बारे में कुछ एक्सेप्शन है. जैसे हिंदी में बोलते हैं अपवाद. कुछ अपवाद है. सबसे पहले जो हमारे डाल्टन थे, डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था उन्होंने कि जो आपका एटम है, एटम क्या होगा? एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल. यानी आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते. एटम क्या है? अविभाज्य कण है जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते. तो सबसे पहले इसी के व्याप पे उसने क्या दिया कि क्या होगा? एटम किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होगा जो रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेगा। पर अभी बात करें हम तो एटम की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी में कैसे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन के बाद किस तरह प्रोडक्ट बनेगा। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि परमाणु, परमाणु जैसी कि इसे मैंने डिफाइन किया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, यानी जो भाग ले सकता है लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लेते हैं H2+O2 ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, यानी वाटर मॉलिक्यूल बना। अब देयर आर 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कितने 4 एटम होंगे किसके, कितने 4 परमाणु होंगे किसके, आपके हाइड्रोजन के। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपका ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन के 2 एटम, इसे आप बोलते हैं इट इज अ कंबाइनिंग फॉर्म, या कि कंबाइनिंग फॉर्म जिसे आप बोलते हैं क्या कि ये संयुक्त अवस्था है। किसकी संयुक्त अवस्था है, ये आपकी हाइड्रोजन एटम की एक संयुक्त अवस्था है, हाइड्रोजन का डायटोमिक फॉर्म, इट इज अ डायटोमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डायटोमिक फॉर्म है। एक्चुअली एलिमेंट ऐसे होंगे जिसे आप डायटोमिक फॉर्म में लिखेंगे, लाइक दैट हाइड्रोजन होगा H2, आप लिखेंगे क्लोरीन होगा Cl2 लिखेंगे, या ब्रोमीन होगा Br2 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि इसके अंदर 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 4 तो क्या था कि सबसे छोटा पार्ट बस सबसे छोटा पार्ट होगा तो वो आपका एटम होगा। और एटम वही कहते हैं एटम क्या होगा, एटम छोटे से छोटा पार्ट होगा किसी भी रिएक्शन में आसानी से भाग लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप 2 एटम हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं इसके साथ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हमेशा ध्यान रखना, आपको अगर कहीं ऐसे बोल दिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2H+H2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2H+H2, सो देयर विल बी डिफरेंस, इट इज अ फ्री फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज अ कंबाइनिंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की एक क्या स्वतंत्र अवस्था है, इस तरीके से स्वतंत्र है इसमें हाइड्रोजन, ये कंबाइनिंग फॉर्म नहीं। जबकि H2 क्या होगा, एक मॉलिक्यूल है हमारा, इट इज अ कंबाइनिंग फॉर्म, या फिर कंबाइनिंग आप इसे कहेंगे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और इसे बोलेंगे आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। पर क्या है कि यहाँ पर भी आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर भी आपने 2 हाइड्रोजन एटम ले लिया और इसमें भी, बट क्या है आप क्या कहेंगे कि ये हाइड्रोजन एटम एक स्वतंत्र अवस्था में है जबकि ये एक संयुक्त अवस्था में है, ये कंबाइनिंग फॉर्म है और ये फ्री फॉर्म है। तो अभी मैं यही बताना आपको चाह रहा हूँ कि किसी भी रिएक्शन में जो स्वतंत्र रूप से, जो स्वतंत्र क्यों है, ये हो गया कि रिएक्शन फॉर्म करने के बाद उसके बाद एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, यहाँ पे आपका क्या बनता है वाटर मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल बने 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे 2 मॉलिक्यूल। तो अभी हमने जो डिस्कशन किया वो एटम के बारे में किया है, एक्चुअली एटम है क्या अभी आपको बता दिया मैंने, आपको पता भी है। इसमें भी एक कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो एटम होता है। अभी आप जो 9th-10th में पढ़ेंगे थोड़ा स्टार्टिंग में इसके बारे में यही है कि एटम सबसे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फिर आप इसकी वाइड, इसके बारे में वाइड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि एटम क्या है। एटम एक्चुअली क्या, सिर्फ आपको एक ही तरह की स्टेबल, जो इसके अंदर 2 स्टेबल पार्टिकल होंगे, स्टेबल पार्टिकल देयर आर 3 स्टेबल पार्टिकल। अगर आप आगे की बात, आपने ये जानना है सिर्फ कि एटम, डाल्टन ने बता दिया, डाल्टन ने क्या बताया एटम क्या होगा, एटम स्मॉलेस्ट क्या इंडिविजुअल पार्टिकल होगा। बट आगे जब आएंगे आप बात करेंगे तो क्या होगा, एटम के अंदर क्या हमारे 2 तरह के पार्टिकल होंगे, एटम है 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल, एक स्टेबल पार्टिकल होगा जिसे आप बोलते हैं स्थायी कण। अब स्थायी कण में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद ये होगा आपका स्टेबल, स्टेबल, और ये होगा आपका दूसरा
केवल पार्ट। अब सिर्फ आप जो डिस्कशन करेंगे और ऐसा अब आपने इसे छोड़ देना है क्योंकि आपके सिलेबस में ये अभी नहीं है। एक्चुअली आप जो पढ़ेंगे हायर क्लासेस में जाकर के आप अनस्टेबल पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी एटम के जो एटम को सिर्फ आप इतना याद रखना है कि एटम इज अ इंडिविजुअल पार्टिकल। किसने बताया? डॉक्टर ने। बट इट इज अ डिविजिबल पार्टिकल। एटम क्या है? डिविजिबल पार्टिकल है, जिसे रदरफोर्ड ने बताया था फिर कि कितने पार्ट में इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जैसे कि स्टेबल पार्टिकल की अगर बात करूँ मैं तो देर आर थ्री स्टेबल पार्टिकल। इतने तीन आपके स्थाई कण होंगे। कैसे होंगे? इसे बोले स्थाई कण। स्थाई कण आप स्थाई कण कौन कौन से होंगे यहाँ पे? एक तो होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो जाएगा प्रोटॉन और तीसरा होगा आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्चुअली इन्हें स्टेबल क्यों कहा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम हैव द स्टेबिलिटी। इसी की वजह से एटम के अंदर एक स्टेबिलिटी होगी, ये स्थाई बना रहेगा इसका। बट जो अनस्टेबल पार्टिकल है अस्थाई कण, अस्थाई कण वो बहुत कम समय के लिए बनते हैं। लाइक दैट मैसोन है, पोजिस्ट्रॉन है, न्यूट्राइनो है। दीज आर फॉर्म्स फॉर इंस्टेंट टाइम, बहुत कम समय के लिए बनेंगे और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट ये इनका क्या है, ये आपके स्टेबल होंगे और इसमें स्टेबल में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अभी इनके बारे में भी फिर हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा कितना, 10^-1.6 × 10^-19। इसके ऊपर जो चार्ज होगा एक्चुअली ये नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नेगेटिव। अब इसकी नेगेटिविटी को कैसे आप डिफाइन करेंगे? ऐसे ही इसके ऊपर चार्ज होगा 1.6 × 10^-19। इट्स हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड इट आल्सो हैव नेगेटिव चार्ज और इट विल बी न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसके ऊपर उदासीन बोलते हैं आप। इसे क्या बोलेंगे? उदासीन। ये आपका उदासीन कण होगा और ये हो जाएगा आपका, ये सब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों का जो चार्ज है वो कूलम में, जो दोनों का चार्ज है कितना कूलम आपके क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो जाएगा चार्ज, प्रोटॉन पे 1.6+। तो दोनों में इक्वल होगा बट जो साइन होगा दोनों का वो डिफर होगा। अब इसे किस तरीके से कैसे पता लगाया कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा? वो क्वेश्चन ये बनेंगे, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा या फिर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा। अब आप दोनों में देख रहे हैं, दोनों में इक्वल है, आप ये दोनों लिख देंगे। आप लिखेंगे 1.6 × 10^-19, आप ये भी लिखेंगे। बट स्टार्टिंग में आप चार्ज नहीं लगाते हैं तो इट मीन्स आपका यह गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर विद साइन आप चार्ज बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक या नेगेटिव जो चार्ज होगा वो पूरा लिख देंगे प्रोटॉन पर, और ये क्या होगा आपका न्यूट्रॉन, क्या होगा न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब ऐसे आप जो आगे 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 इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आप इंडिविजुअली के इलेक्ट्रॉन को किसने, आपको एक वर्ड याद रखना है, ईट पर नाम। आपको क्या याद रखना है? ईट पर नाम, ईट पर नाम। ये बहुत इजी है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया था वो जे.जे. थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन को चैडविक ने। अब ये कितना था हमारा? ये था 1806। ठीक है ना, ये 1886 और ये 1932।
यानी आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया वो किसने, जेम्स थॉमसन ने 1856, उसके बाद प्रोटॉन को 1886 में किसने, रदरफोर्ड ने, और जेम्स चैडविक ने 1932 में। तो आपको याद रखना है 8 पर 9। अभी हमने जो डिस्कशन किया है वो किया है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसका सीधा सा जो पढ़ा है आपको याद रखने का, डिस्कस भी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्कस भी ऑफ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। एक्चुअली मैं आपको पहले बता चुका कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी के बारे में, जैसे कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को, तो आपको सीधा से फॉर्मूला है इसको याद रखने का। आपको याद रखना है ई पर ना, क्या याद रखना है, ई पर ना। अब आप जब याद रखते हैं एक पर ना, तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया वो किसने किया, जे.जे. थॉमसन ने, जे.जे. थॉमसन। उसके बाद आता है हमारा प्रोटॉन, कब किया था है? ये था हमारा 1897। ऐसे ही आता है हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया रदरफोर्ड ने, इसे प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन, और आरसे हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कब, ये 1886। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया था, चैडविक ने, कब, 1932। अभी मेथड है याद रखने का, अपने आप क्या करना है, 8 पर 9, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, और उसका आप सम भी याद कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीज मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी इसे अलग अलग जो इसकी इसे डिस्कवर किया, किस तरीके से डिस्कवर किया, पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया बेटा। अब ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ लिया आपसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आपको ईंट याद रखना है, ईंट का मतलब इलेक्ट्रॉन, और कैसे हो जाएगा आपका थॉमसन, इसे इलेक्ट्रॉन, और उसका डे वो भी बता दिया मैंने। ऐसे इसके ऊपर चार्ज भी आप याद रख सकते हैं, चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है ना, कोला। ऐसे ही आप लेंगे, दूसरा आ जाता है हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आपने कहा ईंट पर नाच, तो पी से क्या होगा, प्रोटॉन हो जाएगा वैसे आपका रदरफोर्ड, और ये बता दिया कब, 1886। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रॉन, अब इसके ऊपर चार्ज मैंने अभी पहले बताया था, इससे पहले भी कितना होगा, 1.6, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस होगा, सेम चार्ज होगा, बस इसका जो साइन है इसमें इसमें पॉजिटिव होगा और एक में नेगेटिव। ऐसे ही आता है हमारा न्यूट्रॉन, आपने कहा नॉच, इनसे क्या होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा जैसे चैडविक। तो आपको सीधा से याद करने का एक तरीका है, आपको याद रखना है ईंट पर नॉच, क्या याद रखना है, ईंट पर नॉच, इट्स ओके।